माई चैनल जिसका नाम है कुक विद शेफ पुनीत। तो आज जो मैं रेसिपी बनाने वाला हूँ उसका नाम है चिली पनीर। चिली पनीर बनाना काफ़ी सिंपल है और उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हम आगे देख रहा हूँ। 200 ग्राम पनीर, एक मीडियम साइज का अनियन, दो मीडियम साइज की कैप्सिकम्स, 4-5 कलियां लहसुन की और एक छोटा टुकड़ा मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है जिंजर का। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ रेड चिली सॉस, टोमेटो केचप और डार्क सोया सॉस। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कुछ स्पाइसेस का, जिसमें मैंने रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट का इस्तेमाल किया। 1/2 कप मैंने यहाँ पर लिया है कॉर्नफ्लोर का। मैंने अपनी वेजेस को कट कर लिया है, अनियन और कैप्सिकम को मैंने डाइस कट में कट किया है और जिंजर एंड गार्लिक को मैंने फाइनली चॉप किया है। वेजिटेबल्स को कट करने के बाद हम एक बाउल लेंगे, बाउल में ऐड करेंगे हमारे पनीर के क्यूब्स। उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगा 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर ऐड करने के बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ स्वाद के अनुसार नमक। अब हम इस सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम लेंगे एक पैन, पैन में डालेंगे हम ऑयल। ऑयल को हमने अच्छी तरह से हीट करना है। ऑयल हमारा हीट हो चुका है, हम इसमें एक एक करके अपना पनीर के क्यूब्स को ऐड करेंगे। पनीर हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब हम तैयारी करेंगे इसकी सॉस की। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन, उसमें डाला है मैंने 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। ऑयल को गर्म करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे जिंजर और गार्लिक। जिंजर गार्लिक को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। हमारा जिंजर और गार्लिक अच्छी तरह से कुक हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे अनियंस और कैप्सिकम्स। यहाँ पर आपने एक बात को ध्यान में रखना है कि हमने अनियन और कैप्सिकम को ओवर कुक नहीं करना है। अनियन और कैप्सिकम को कुक करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारी डार्क सोया सॉस। अब हम ऐड करेंगे इसमें रेड चिली सॉस और हमारी टोमेटो केचप। इन सबको ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर। ब्लैक पेपर पाउडर डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। ग्रेवी के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर वाटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब हम अपनी कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ लिया है कॉर्नफ्लोर। इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसका एक मिक्सचर रेडी कर लेंगे। अब हम इसे ऐड करेंगे हमारे पैन में। स्लरी ऐड करने के बाद हम इसको 1-2 मिनट के लिए कुक करेंगे।
अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे पनीर के क्यूब्स को। यहाँ पर आपने एक बात को ध्यान में रखना है कि हमने इसको ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इसको ओवर कुक कर देंगे तो हमारा जो पनीर का क्रंच है वो ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगा थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट आप हमेशा लास्ट में डालना, क्योंकि जो हम सॉस ऐड करते हैं उसमें पहले से ही थोड़ा सा नमक होता है, तो आप चेक करने के बाद भी इसकी सीजनिंग करना। हमारा चिल्ली पनीर बनके तैयार है। तो गाइस, कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।